सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका। बच्चों, आज हम कक्षा चौथी की पाठ्यपुस्तक भाषा माधुरी का पाठ फैलती चप्पलें का अध्ययन करेंगे। फैलती चप्पलें, यह पाठ एक चित्रकथा के रूप में है। इस पाठ में दादी और सुपंदी है। एक दिन दादी सुपंदी से कहती है, बेटा सुपंदी, यह कुछ रुपये ले लो और मुझे एक जोड़ी चप्पल लाकर दे दो। सुपंदी खुशी खुशी चप्पलें खरीदने बाजार जाता है। रास्ते में सुपंदी को एक व्यक्ति रेल की दो पटरियों के बीच में जगह छोड़ते हुए दिखता है। सुपंदी पूछता है, आप इन दो पटरियों के बीच में इतनी जगह क्यों छोड़ रहे हैं? व्यक्ति कहता है, बेटा गर्म होने पर पटरियाँ फैल कर लंबी हो जाएंगी। सुपंदी सोचता है, ओहो, तो गर्मी से सारी चीज़ें फैल जाती हैं और बड़ी भी हो जाती हैं। व्यक्ति कहता है, जी हाँ बिल्कुल। सुपंदी अब चप्पलें लेकर घर आता है और दादी को चप्पलें देता है। लेकिन ये क्या हो गया, दादी को तो चप्पलें छोटी हो गई। दादी कहती है, बेटा कोई बात नहीं, दुकान से बदल कर दूसरी जोड़ी ला कर देना। लेकिन इसी समय सुपंदी को स्मरण हो जाता है कि सुबह वह व्यक्ति दो पटरियों के बीच में बहुत जगह छोड़ रहा था और कह रहा था कि गर्मी से सारी चीज़ें फैल जाती और बड़ी हो जाती हैं। इस तरकीब को क्यों ना इन चप्पलों पर आजमाया जाए। तो अब यह बढ़िया तरकीब सुपंदी को सूझी। सुपंदी उसी तरकीब को आजमाते हुए दादी की चप्पले को तवे पर रखता है और सोचता है, तब चप्पलें तो अब अपने आप गर्म होकर बड़ी हो जाएंगी और दादी के पैरों के नाप की भी हो जाएंगी। सुपंदी इसी इंतज़ार में बैठा और सोचते रहता है। लेकिन उधर क्या हो रहा था, उधर तो चप्पलें पिघलकर जल रही थी। सुपंदी को जब ख्याल आता है तो आकर देखता है, हैरान हो जाता है, हैं चप्पलें किधर गई, चप्पलें किधर गई, गायब हो गई। सुपंदी जोर से दादी को आवाज़ लगाता है, दादी माँ, दादी माँ, चप्पलें गायब हो गई। दादी कहती है, गायब हो गई, कैसे? दादी तुरंत सुपंदी के पास आकर पहुंच जाती है। सुपंदी दादी को कहता है, दादी माँ, चप्पलों को तवे पर तपा कर बड़ा कर रहा था ताकि वह आपके पैरों के नाप की हो जाए। दादी जैसे ही यह सुनती है सबसे पहले अपने सिर पर हाथ पीटती है और कहती है, हो गया सत्यानाश। बच्चों, यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपने इस पाठ को बहुत अच्छी तरह से ग्रहण किया होगा। बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति ने हमेशा कोई भी कार्य हो उसे हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए और बुद्धि से करना चाहिए। अब बच्चों जल्दी से अपनी कॉपी लेकर आइए, मैं आपको गृहपाठ दे रही हूँ। यह गृहपाठ आपको अपनी कॉपी में अवश्य पूरा करना है। अच्छा बच्चों, फिर और एक नए पाठ के साथ मैं आपसे मिलने आऊँगी। धन्यवाद।